हेलो दोस्तों, आजकल हम रूटीन में सुनते हैं ये तनाव में आ गया, वो तनाव में आ गया। कभी कभी मैं भी तनाव में आ जाता हूँ। आज का हमारा विषय भी यही रहेगा, तनाव। आप आदमी का बोलना बंद कर सकते हैं लेकिन सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जो सोचते हैं वो आप पर ही निर्भर करता है। कभी कभी कुछ शब्द ही हमें गहरे तनाव में ले जाते हैं। तनाव शब्द तो वास्तव में बहुत छोटा सा है, लेकिन जब किसी को हो जाता है तो ऐसा लगता है कि एक पहाड़ ही सिर पे गिर गया हो। तनाव थोड़ा बहुत हर एक की ज़िंदगी में ज़रूरी भी है, जीवन की गति को बनाए रखने के लिए। तनाव का मुख्य जो कारण है, जब हमारी मनोस्थिति और परिस्थिति में आपस में इम्बैलेंस हो जाता है या कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है तो तनाव पैदा होता है। तनाव ज़रूरी भी क्यों है ज़िंदगी में? अगर तनाव ना हो तो बच्चे अपना स्कूल के लिए समय पर तैयार भी नहीं हो पाएंगे, कोई बंदा अपने ऑफिस भी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब तनाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह एक शारीरिक और मानसिक विकारों का रूप ले लेता है। अत्यधिक बढ़ा हुआ तनाव मानसिक अवसाद पैदा कर देता है। आजकल तनाव कहने को तो कह ही देता है हर कोई बंदा, मेरे को भी टेंशन है, स्ट्रेस हो रहा है। ज़िंदगी में हम आमतौर पर देखते हैं किसी के पास अगर धन नहीं है तो भी वो तनाव में है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो भी तनाव में है, किसी के पास अच्छा घर नहीं है तो भी तनाव में है, किसी के पास अच्छा मंगला महल है तो वो भी तनाव में है। तनाव से फिर बचा कैसे जाए? सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं तनाव के। जैसे कि डॉक्टर साहब ने तनाव के बारे में बताया, तो इसमें जो है मन थोड़ा सा उदास रहता है और कई बार नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे मरने के विचार, आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो उदासी के माहौल में ही जैसे वो अपने आप को ढाल लेता है। जैसे किसी से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, बेचैनी बहुत रहती है, ना भूख लगती है, चिड़चिड़ापन, ये सारे लक्षण तनाव में हो जाते हैं। तो इससे बचने के ये उपाय हैं कि सबसे पहले एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने यार दोस्तों के साथ घुले मिलें और अच्छे अच्छे विचार सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें और मतलब योग का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें और अपना खुले दिल से हर एक विचार अपने मन में लाएं। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराकर कहें जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू दी पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।